हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको किचन के चिपचिपी खिड़की की जाली को साफ करने का तरीका बता रही हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल को ऑप्शन दबाना ना भूलें। ये देखिए, मैं आपको आज अपनी किचन की गंदी और चिपचिपी खिड़की दिखा रही हूँ। इसे आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा ये चिपचिपी हो गई है। क्योंकि खाना बनता है, उसका जो ऑयल है वो पूरा खिड़की में चिपकता है। इसके अलावा मेन रोड पे घर होने के कारण मेरा जो भी धूल डस्ट रहती है वो इसके ऊपर पूरी चिपक जाती है। इसे अगर मैं एक महीना साफ नहीं करती हूँ तो इसकी कंडीशन इस तरह से हो जाती है। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें से गंदगी है। यह पूरे हाथ जो है वो पूरे काले हो जाते हैं। इसे जल्दी और झटपट साफ करने का मैं तरीका बता रही हूँ। मैंने ये गर्म पानी लिया है। गर्म पानी मेरा इतना गर्म है जितना आप इसे छू सकते हैं। इसी के अंदर में जो भी आप कपड़े धोने के लिए पाउडर यूज करते हैं उसका यूज कर लीजिए। मैं टाइट यूज करती हूँ, इसलिए मैं 2 चम्मच में टाइट डाल रही हूँ। इसे आप थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। इसी के अंदर मैं विनेगर डाल रही हूँ, लगभग आधे कप के करीब। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। काफी सारे झाग बनने लग जाते हैं, इसलिए आप बर्तन जो है थोड़ा सा बड़ा लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने रगड़ने वाला लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास है। इसे मैं इस पानी में भिगोकर इसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे गंदगी जो हमारी काफी तेजी से और जल्दी साफ हो जाएगी। बिल्कुल भी गंदगी इसमें नहीं रहेगी। देखिए कितना ज्यादा इसमें से काला काला नजर आ रही है। देखिए एक बार मैंने गीला करा है, इस तरह से पूरे को अच्छे से गीला कर दूंगी ताकि जो हमारी गंदगी जो मैल है वो अच्छे से फूल जाएगा। देखिए मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया है, पूरी मेरी गीली होगी। गीली होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों से करने से ही निकलने लग जाता है। बस इस तरह से आप इसे लगाइए और पूरा इसे अच्छे से रगड़ दीजिए। आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही इसे मैं रगड़ दूंगी। अगर आपके पास इस टाइप का नहीं है तो जो बर्तन मांजने का जो स्क्रबर आता है तार, ये देखिए इस तरह से इसे आप ले लीजिए, इससे रगड़ सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है, जो हमारे पास कपड़े धोने का पुराना ब्रश रहता है उसे आप ले लीजिए, गीला करके उसके बाद भी अगर इसे रगड़ते हैं तो पूरा आसानी से निकल जाएगा। इतनी सारी इसमें गंदगी है जो पूरी ब्लैक ब्लैक हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले खिड़की को दिखाया था कि इसमें बिल्कुल भी कुछ भी बाहर का नजर नहीं आ रहा है। पूरा साफ होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे इसे इस तरह से रगड़ते हुए 10 मिनट का समय हुआ है, काफी अच्छे से क्लीन हो गई है। ये देखिए मैं इस पे पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। देखिए जो भी गंदगी थी सारी हमारी निकल जाएगी। उसके बाद आप देखिएगा कितने अच्छे से क्लीन हो जाएगी। इस तरह से साफ करने से टाइम भी कम लगता है, काफी अच्छे से साफ हो जाती है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी भी लेकिन ये गीली है, गीली होने के कारण ये बाहर का व्यू आपको पूरा अच्छे से नजर इसमें नहीं आएगा। अभी रात भी हो चुकी है, रात के टाइम पे ही मैंने इसे क्लीन करा था। ये देखिए बाहर यहाँ पर आपको थोड़ी सी लाइट नजर आएगी। पहले ये लाइट हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। देखिए बिल्कुल हल्का हल्का सा उजाला दिखेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पर। ये देखिए यहाँ भी आपको हल्की सी लाइट नजर आ रही है। देखिए मैंने इसे काफी अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी है। इस तरह से क्लीन करने से काफी अच्छे से साफ हो जाती है। अब आपको मैं सुबह मॉर्निंग में दिखाती हूँ इसका व्यू किस तरह से दिखता है। ये देखिए जाली हमारी कितनी अच्छी से साफ हुई है। सुबह आपको मॉर्निंग में दिखा रही हूँ मैं। देखिए सामने जो बिल्डिंग है वो भी अच्छे से इसमें से नजर आ रही है। रात को जब मैंने आपको दिखाया था कितनी गंदी थी और एकदम चिपचिपी थी, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई है। छूने पे आपको बिल्कुल भी इसमें से गंदगी हाथों में नजर नहीं आएगी, ना ही इसमें चिपचिपी है। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। इस तरह से क्लीन करने से काफी अच्छे से क्लीन हो जाती है और जो भी गंदगी रहती है वो हमारी निकल जाती है। ताकि जाली खिड़की है, एडजॉस है या फिर आपकी टाइल्स है, कुछ भी चीज़ है, इससे अगर आप क्लीन करेंगे तो काफ़ी जल्दी क्लीन हो जाती है और आपको टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।